कुछ लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह कहता खलतु अमलन सालिहन व आखर सैया। मेरे कुछ बंदे ऐसे हैं कभी नेकी भी कर लेते हैं कभी गुनाह भी कर लेते हैं। ये अल्लाह ताला कुरान में खुद बता रहा है कि मेरे कुछ बंदे ऐसे हैं कभी बड़े नमाजी बन जाते हैं कभी मस्जिद का रास्ता ही भूल जाते हैं, और कुछ बंदे ऐसे हैं जिन्होंने जब से आंख खोली है उस दिन से लेकर आज तक एक काम अल्लाह को राजी करने वाला नहीं किया। ऐसों से भी दुनिया भरी पड़ी है, और एक बहुत बड़ा दुनिया का तबका है जो अल्लाह को जानता ही नहीं है, जानता है तो गलत तरीके से जानता है, और एक बहुत बड़ा तबका है जो अल्लाह को मानता ही नहीं कि है ही कोई नहीं, एथेस्ट हूं मैं एथेस्ट हूं। तो मेरे भाइयों, मैं अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं कि किस मोहब्बत से अल्लाह ने इन लोगों को पुकारा है, काश मैं आपको उसकी वजाहत कर सकूं। या इबादी अल्लज़ीन असरफू अला अन्फुसिहिम, मुझे अपने बेटे पर भी गुस्सा आता है तो मैं कहता निकल जा, तू मेरी औलाद ही नहीं है। मैं दीन सीखने जाना चाहता था, मेरे वालिद रहमतुल्लाह मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, मैं उससे बेहतर रास्ता इख्तियार कर रहा था, लेकिन मेरे बाप की मर्जी नहीं थी। तो उन्होंने मुझे फरमाया जे तो मौलवी बनना है तो मेरे घर ही चो निकल जा। मेरे कानों में वो अल्फाज आज भी गूंज रहे हैं। वो मेरे खालिक नहीं थे, मेरे वालिद थे, खालिक तो मेरा अल्लाह है, और मैं अल्लाह की फरमा बरदारी का एक काम नहीं करता हूँ, अल्लाह की फरमा बरदारी का एक काम नहीं करती मर्द औरत। ठीक, तो अल्लाह को गुस्सा उस हिसाब से आना चाहिए कि बदबख्त हो, बेगैरत हो, शर्म नहीं आती तनु डूब के मर जाओ। मैं कुर्बान जाऊं, अल्लाह कहता है या इबादी, ओ मेरे बंदो। ये पता किन को कह रहा है, जो तबलीग करते हैं, जो इलम पढ़ते हैं, जो ये बच्चे की तरह मुसल्ले पे नमाज पढ़ाते हैं, जो मेरी तरह मेंबर पे बैठ के दीन बयान करते हैं, जो रातों को उठ के तहज्जुद पढ़ते हैं, मेरे बंदो, आपने देखा वो शहद एक धार बनाता है, टपकता हुआ नीचे आता है ना। अल्लाह की कसम इस आयत से अल्लाह की मोहब्बत का शहद यूं निकलता नजर आता। या इबादी, अल्लाह को कहना था ओए नाफरमानो, कहना ये चाहिए था जो आगे लफ्ज में बताऊंगा ना, फिर आपको खुद ब खुद मेरी बात वाज़े हो जाएगी। ओए नाफरमानो बेगैरतो, मेरा अल्लाह कह रहा या इबादी मेरे बंदो, या इबादी, ये भी एक लहजा है ना, या इबादी। ओ भाई गल सुनो, ये एक लहजा भाई, सब हजरात तवज्जो फरमाएं, कितना फर्क पड़ गया है, पहले लहजे में बदतमीजी थी, दूसरे लहजे में आप सबका एहतराम था। मेरा रब तो बेनियाज है, उससे हमारी क्या जरूरत है, सारे आसमान सजदे से भरे पड़े हैं, फरिश्ते मुकदे ही नहीं। फिर वो हमें या अय्युहन्नास नहीं कहता, ओए लोगो, या अय्युहन्नास ओए लोगो, या इबादी ओ मेरे बंदो, मेरे, या इबादी से यूं लगता है जैसे अल्लाह आगे बड़े राबिया बसरी जैसी औरतें और जुनैद बगदादी जैसे मर्दों से अल्लाह बात करने लगा है। तीन लफ्ज हैं,
असरफु अला अनफुसहिम, वो बंदे जिन्होंने जब से आंख खोली है एक दफा भी मुझे खुश करने का काम नहीं किया, आ जाओ तुम भी मेरे ही हो। अल्लाह ने ऐसे बाहें फैला दी अपनी रहमत की, या इबाद, तकवे वाले नहीं कहा, रोजे वाले नहीं कहा, पर्दे वाली औरतों को नहीं कहा, हलाल कमाने वाले, तहज्जुद पढ़ने वाले, इल्म पढ़ने वाले। अला 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 का मतलब यहां बहुत ताकतवर है, अरबी के हर्फों का भी मतलब होता है। अला का यहां मतलब है आपने इस मेंबर को कवर किया हुआ कपड़े के साथ, कहीं से नजर आ रहा है? बोलो, कहीं से नजर आ रहा है? इसको अला कहते। अल्लाह क्या कह रहा है कि जिन्होंने इतने गुनाह किए हैं कि उनका जिस्म गुनाहों में डूब गया है, वो नजर ही नहीं आता है, सिर्फ ऊपर गुनाह ही गुनाह नजर आ रहा है, ना फरमानियां नजर आ रही हैं, उनका अपना वजूद उसमें नजर ही नहीं आ रहा। अल्लाह कह रहा है या इबाद, तो तुसी भी मेरे ही हो, आ जाओ आ जाओ। बताओ ऐसे मेहरबान रब से बगावत करना है कोई गैरत की बात? चंद रोजा जिंदगी के पीछे, चंद टकों के पीछे, चंद पैसों के पीछे, या इबादी ओ एक और हदीस आपकी बरकत से याद आई बड़े जमाने के बाद, और वो भी याद आ गई, बीच वाला सुनाऊंगा बाद में। ए दाऊद लो यालमून अल्मुदबिरून अन्नी, दाऊद अलैहिस्सलाम, अगर इन मेरे नाफरमानों को पता चल जाए ना मैं इनसे कितना प्यार करता हूं, इनके कलेजे फट जाएं। अगर इन नाफरमानों को पता चल जाए कि मैं इनसे कितना प्यार करता हूं, इनके कलेजे फट जाएं। दाऊद जब नाफरमानों से इतना प्यार करता हूं तो फरमाबरदारों से कितना करता हूं। आगे बात क्या की है कि सारी दुनिया ने तुम्हें जहन्नमी बना दिया है, तुसी पक्के दोस्त के, थोड़ी बख्शिश कोई नहीं, लेकिन मैं तुम्हारा रब जिसकी तुमने जिंदगी में एक दफा भी नहीं मानी, मैं तुम्हें खुशखबरी दे रहा हूं, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से ना उम्मीद ना होना, मेरे दर पे आ जाना। إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ, तुम मेरे दर पे आ जाना, तुम्हारा आंसू निकले ना निकले, एक हाय मुझे कह के कह देना, हाय अल्लाह मुझे माफ कर दो। तो कैसे माफ करूंगा तुम्हें कि तुम्हारे जिस्म पर मच्छर के पर के बराबर भी गुनाह का निशान नहीं छोड़ूंगा। और कितने गुनाह लेकर आओ मेरे पास जो हम कर ही नहीं सकते। मेरा रब कहता है लौ बलगत जुनूबू का अनान समा, कि ये है ग्लासगो का फर्श,
यहां से गुनाहों को उठा और पूरी जमीन को भर दे, 24,000 किलोमीटर जमीन को भर दे गुनाहों से, फिर जमीन में जगह नहीं रही तो अब गुनाह के ऊपर गुनाह डाल, फिर उस जैसे बोरी के ऊपर बोरी डाली जाती है जब ट्रॉला भर जाता है, गुनाह के ऊपर गुनाह डाल, फिर गुनाह के ऊपर गुनाह डाल, फिर ये तह यूं 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 बढ़ाते बढ़ाते मेरे आसमान की छत को लगाते। अरे तुम क्या समझो भाई आसमान ये नीला है? ये नीला तो सूरज का रंग है, आसमान को तब तो कोई ना कोई साइंस पहुंच चुकी है, ना कोई इल्म पहुंच सकता है, ना कोई इंसान इतनी ऊंचाई पर है। और मेरा रब कह रहा है कोई औरत कोई मर्द इतने गुनाह करे, ये आला आला का बता कि जमीन से उठाकर आसमान की छत को लगाए, सारी दुनिया के मुफ्ती मोहरें लगा के फतवा देंगे जहन्नमी है, बख्शिश कोई नहीं, बर्बाद हो गया, इसके साथ खाना पीना भी बंद कर दो, बायकॉट कर दो। और अल्लाह कहता है मेरा बंदा सिर्फ एक बारी आँखें या अल्लाह माफ करो, मैं सारी माफ कर दूँ, 100 बारी नहीं, 100 दी तस्बीह नहीं। हमसे जो नाराज हो जाते हैं कितनी मिन्नतें करवाते हैं राजी होने के लिए, एक दफा माफी मांगने पर कभी किसी ने माफ किया? न माँ माफ करती है, न बाप, न बीवी, न खामिंद, न भाई, न दोस्त, और बातें भी छोटी छोटी होती हैं। और मेरा अल्लाह कह रहा है यहां से लेकर आसमान की छत तक तेरे गुनाह हो, और तू सिर्फ आधी जबान से कह दे या अल्लाह माफ कर, मैं सारे माफ कर दूं।